आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। पहले साथी यश आपको जो है टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बिहार स्टेट जो कि मार्च में होने वाला है इसको भी ध्यान में रखकर साथियों यह क्लासेस चलाई जा रही है। यहाँ पे अभी तक जो है आपको सामाजिक विज्ञान का जो विषय है साथी इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है आपको टीजीटी में इन सभी टॉपिक को एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं। उससे पहले साथियों आपको बता दें इस चैनल के बारे में कुछ विशेषता, फिर हम आगे बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है और साथियों किसी प्रकार के शिक्षकों से संबंधित एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों आप सही जगह आए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेट हो, DSSSB हो, KVS हो, NVS हो, लेक्चरल हो, कॉलेज लेक्चरल हो, या फिर हम कह ले यूजीसी नेट जीआरएफ हो, EMRS हो, एसटेट हो, जेटेट हो, एसटेट हो, कोई भी एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों इस चैनल पे आप बिल्कुल जुड़ कर रह सकते हैं और यहाँ पे विस्तार से हर विषय को बेहतर ढंग से समझाए जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो साथियों यहाँ पे आप मेरे बारे में भी जान पा रहे होंगे कि हम कौन है जो आपको यह बंदा पढ़ा रहा है, क्या इसके पास कोई क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है, क्या इसके पास कोई एजुकेशन का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी देख पा रहे होंगे और आप भरोसा कर सकते हैं इस व्यक्ति पे कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, ये ऑलरेडी मेरे द्वारा साथियों कई एग्जाम को देखा गया है, क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन होगा साथियों, कल का सेशन हम इस पे बात कर चुके थे संविधान निर्माण के बारे में, ठीक है ना। क्लास 9 का सिविक्स का जो बुक है आपका, इसका लेक्चर नंबर आपका थर्ड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड है। चलिए संविधान निर्माण की बात जो है हम कल भी कर चुके थे, बहुत विस्तार से आपको बताए थे कि संविधान जो निर्माण है इसके अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे घटना घटित हुआ। इसमें हम सबसे पहले बात किए थे कि संविधान वास्तविक में कहते किसे हैं, संविधान जो है यह किसको अधिकार देता है, संविधान जो है यह एक नागरिक और एक शासक के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करता है, इस छोटे बड़े सभी के सभी बिंदुओं पर हम बात किए थे। हम यह भी बात किए थे कि संविधान जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे भारत देश को या फिर हम कह ले पूरे विश्व के देशों में, इन सभी बातों पे हम चर्चा किए थे। ठीक है ना, चलिए जहां से हम कल के सेशन को समाप्त किए थे वहीं से आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि कल का लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आप लोग कल का लेक्चर को भी जरूर देखिए, तभी आज की कहानी को आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और यहाँ पे हम उससे पहले साथियों थोड़ा सा एक छोटा सा जो आपको यहाँ पे है कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे डिस्कस वो देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावली है जो कि आपको ध्यान में रखना है। यह शब्दावली क्या क्या है जो कि आपको बार बार लगातार इस अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सबसे पहले रंग भेद। रंग भेद क्या है जो कि हम कल ही आपको यह बहुत विस्तार से बताए हैं। रंग भेद हम उसे कहते हैं साथियों जो कि एक ही व्यक्ति हो, ठीक है ना, दो व्यक्ति एक ही समाज का हो, एक ही राज्य का हो, फिर भी उसके साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं वो किस आधार पर, तो सिर्फ रंगों के आधार पर किए जा रहे हैं, इसी को हम रंग भेद कहते हैं। और आपको कल ही हम बताए थे दक्षिण अफ्रीका का कहानी, दक्षिण अफ्रीका का जो घटना था यह हम आपको कल ही के सेशन में बताए हैं, पढ़ाए हैं कि वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका की कहानी था क्या था, श्वेत और अश्वेत में जो है रंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलते थे, उनको हर प्रकार के जो चीजें हैं वहां पे नहीं दिए जाते थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो वहां के गोरे लोगों के द्वारा जो कि एक विदेशी थे, एक यूरोपीय थे। ठीक है, हम आपको यह भी बताए थे दक्षिण अफ्रीका में कि नेशनल मंडेला जो है एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा जो है साथियों इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है, और एक प्रकार से आप देखेंगे कि अंततः जो है आपको दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कर दिया जाता है,
चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा धारा। यह धारा क्या है अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या धारा वह वाला धारा है कि जो हम रिफाइंड वाला यूज करते हैं वो धारा है या फिर कोई और धारा है। साथ ही याद रखना है यह धारा आप रिफाइंड वाले धारा को मत समझ लीजिएगा। यह धारा कौन सा धारा है, तो यह धारा जो है आपको कानून है, ठीक है ना। इसी कानून इसी धारा को आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम कानून का रूप लेते हैं जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं या फिर हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है किसी दस्तावेज के खास हिस्सा में अनुच्छेद के आधार पर जो है नियमों का उल्लेख होता है, इसे ही हम धारा के रूप में जानते हैं। उसके बाद संविधान है, और संविधान को तो आप सभी विद्यार्थी भली भांति जान भी गए होंगे कि कल ही हम आपको संविधान के बारे में लगभग जो है 5-6 प्रकार की अलग अलग जो है व्याख्या बताए थे। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से। देश की सर्वोच्च कानून, पहला पॉइंट संविधान क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। कानूनों का जननी किसको कहा गया है, संविधान को कहा गया है, ठीक है। देश का सबसे सर्वोच्च कानून है, इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। साथ में आपको याद रखना है संविधान हम उसे कहते हैं जो कि उस राज्य के नियमों का कहीं ना कहीं एक पुस्तक में संग्रहित होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। या फिर आप अपने शब्दों में बच्चों को समझा सकते हैं कि संविधान उसे कहते हैं जो कि उस राज्य के जनता और उस राज्य के शासक के बीच जो समन्वय स्थापित कराता है उसे भी हम संविधान ही कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान संशोधन यह क्या है। कल आप पढ़े थे ना कि जहां जिस राज्य में संविधान की स्थापना होती है, जो देश में जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो कि हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान को जब कल पढ़े थे तो देखे थे कि उसमें बहुत सारे ऐसे बात की गई थी कि जब कोई ऐसा कानून मान कर चलिए उस समय परिस्थिति के लिए सही है, लेकिन आगे आप जो है वह परिस्थिति के अनुरूप जो है वह कानून जो है वह जो नियम है बदलाव मांगता है, तो क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, और इसे ही संविधान संशोधन कहा गया है। यह जो है आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं, तो 368। याद रखिएगा साथियों भारतीय संविधान में 368 जो अनुच्छेद है इसी के अंतर्गत जो है कोई भी नियम जो है इसमें संशोधन किए जाते हैं, ठीक है ना, संसद के द्वारा। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, जिस देश की सर्वोच्च विधायिका संस्था के द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को ही हम कहते हैं क्या, संविधान संशोधन, और यह अपना भारतीय संविधान 368 के अंतर्गत होता है। भारत में संविधान सभा जन प्रतिनिधियों की वह सभा है जो संविधान लिखने का काम करता है। संविधान सभा हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, भारतीय संविधान के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की सभा के बारे में, ठीक है ना। यह क्या है, तो वहां उस राज्य का जन प्रतिनिधि का क्या कर रहा है, सभा का आयोजित कर रहा है, अर्थात उसके विचारों की जो है उसकी मांग के आधार पर उसके जरूरत के आधार पर जो है संविधान लिखने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद है आपको प्रारूप। प्रारूप क्या है, तो किसी कानून के दस्तावेज का प्रारंभिक रूप जो है इसी को प्रारूप कहते हैं। फिर आप देखेंगे दर्शन। दर्शन क्या है, किसी सोच और काम को दिशा देने वाला सबसे बुनियादी विचार को हम दर्शन कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के दर्शन शास्त्र, बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, अलग अलग बहुत सारे दर्शन हैं, ठीक है ना। तो साथियों दर्शन क्या है, दर्शन जो है उस समाज के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस धर्म के बारे में हमें एक प्रकार से क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, उसके बारे में हमें बुनियादी विचार प्रकट कराता है। ये सभी जो है दर्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखेंगे प्रस्तावना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रस्तावना, और ये प्रस्तावना जो है आपको संविधान का वह पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य या फिर कह ले अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है या फिर करता है। जैसे अगर मान के चलिए आप किताब पढ़ते हैं तो किताब के शुरुआती जो पन्ने हैं उस पन्ने को हम क्या कहते हैं, तो साथ उस पन्ने को हम आपका प्रस्तावना कहते हैं।
उस प्रस्तावना में हमें क्या देखने को मिलता है कि हम इस किताब के अंदर जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें इस किताब के अंदर क्या क्या जानकारी मिलेगा, इसको हम प्रस्तावना कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो इसमें भी एक प्रस्तावना है, ठीक है। और इस प्रस्तावना में हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो यह मोटा सा ग्रंथ अपने भारत का है, इसमें हमारे भारत के बारे में क्या क्या बातें कही गई है, इसमें समाज के बारे में क्या है, समाज के अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके लिए क्या है, मतलब हर प्रकार के छोटे बड़े चीज जो है आपको संक्षिप्त में एक समरी के रूप में प्रस्तावना प्रकट करता है। अंतिम जो शब्द है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यह आपका देशद्रोह है। यह देशद्रोह क्या होता है, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध जो है इसको हम देशद्रोह कहते हैं। तो मुझे भली भांति अब लग रहा है कि आप सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पे इस सारे के सारे जो आपको रेड जो है रेड कलर से जो लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी आपको मुख्य मुख्य जो शब्द हैं अब आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा और बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। चलिए अब बिना देर करिए हम बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम सेशन की ओर बढ़ेंगे, क्या कहता है अपना बिंदु यहाँ पे। साथियों भारतीय संविधान का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अब यहाँ पे बात करेंगे भारत के बारे में, भारत के परिप्रेक्ष्य के बारे में। ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के तरह भारत का जो संविधान है वह बहुत कठिन और परिस्थिति के बीच बना है। ये आपको जो है दक्षिण अफ्रीका का इसलिए हम बोल रहे हैं कि कल का जो सेशन है आप लोग जरूर देखिएगा, कल का सेशन देखेंगे तभी आज के अपने भारत के परिस्थिति को समझ पाएंगे। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए जो है संविधान बनाना आसान काम नहीं था साथियों। ये भी आपको याद रखना है कि आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कुछ भी बोलते हैं बिना जानकारी के, लेकिन याद रखना है संविधान जो उस समय निर्माता थे, संविधान को जो वो लोग लिख रहे थे इतना आसान नहीं था संविधान निकला, जो कि आने वाले समय में जब तक भारत है जब तक ये संविधान है। और इस संविधान को उन्होंने उतने वर्ष पहले लिखा जब कोई मॉरल परिस्थिति तक नहीं था। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कितना कठिन होगा होगा उन व्यक्तियों के लिए, कितना उनका जो विचार है उनका जो दर्शन था दूरदृष्टता था वो कितना बेहतर होगा, इस बात को आप अनुभव कर पा रहे होंगे। देखिएगा भारत के जो लोग हैं तक गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, ठीक है ना। भारत के जो लोग हैं इनको क्या हो गया था साथियों, तो इनको आदत साफ कहीं ना कहीं पड़ गया था गुलाम की जीवन यापन करना। लगभग आप देखेंगे कि 200 वर्षों तक जो है आपको क्या होता है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज हैं यहाँ पे शासन कर रहे हैं, उसके पहले आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में तो यहाँ पे इस जो है मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं ये लोग शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं इनको पहली बार हजारों वर्षों के बाद, टोटल अगर हम प्राचीन से लेकर अब तक की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पहली बार जो है यहाँ पे गुलाम की हैसियत से अब हटकर यह लोग क्या कर रहे हैं, तो नागरिक के हैसियत से जीने जा रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी भारतीयों के लिए। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारों की विषमता झेली थी, भारत और पाकिस्तान के लोग के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला का अनुभव था। तो ये आप उसी समय देखेंगे कि जो जैसे ही आपको भारत आजाद हो रहा है साथियों उसी परिस्थिति में आपको भारत का टुकड़ा हो रहा है। तो ये भी एक दर्दनाक घटना था उन भारतीयों के लिए जो कि अपने आप को कहते थे हम एक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है, ऐसे परिस्थिति में संविधान का निर्माण हो रहा था आपका। अंग्रेजों ने देसी रियासत के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या फिर पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो उनकी वह क्या कर सकते हैं, तो अपने आप को विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रख सकते हैं। इन रियासतों का विलय जो है मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और जैन भरा नहीं लग रहा था जितना आज हम देख पा रहे हैं या फिर पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि उस परिस्थिति में जब संविधान लिखा रहा है तब भी
अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य के उस समय कुछ छोटे बड़े जो नवाब थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात कर ले तो कुछ ऐसे राज्य थे जो अपने आप को भारत का संघ होने से इनकार कर रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में भारत को एक करने की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम कह सकते हैं कि ऐसी उपलब्धि शायद अमेरिका में भी ना हुआ होगा, फ्रांस में भी ना हुआ होगा, या फिर हम कह ले दक्षिण अफ्रीका में भी ना हुआ होगा। चलिए और क्या है अपने को जानना, ये हम लोग देखते हैं। चलिएगा, संविधान निर्माण का रास्ता। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान जो निर्माण है इसका रास्ता कैसे था, क्या था इसका रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा लाभ था। क्या था? एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर पर ही क्या हो रहे थे, दौर में ही सारी बातों का सहमति बनी पड़ी थी, वैसे ही स्थिति में हम भारत में भी नहीं थी। ठीक है ना, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों को राष्ट्रीय सहमति जो है यह बनाने की बात हो चुकी थी। इस पे पहले ही हो गया था। आप पढ़े थे ना कि जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बन रहा था तो लगभग 2 वर्ष लग गए थे नेशनल मंडेला को यह बात बताने में, यह बात मनाने में वहां के लोगों को कि जो है संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसा परिस्थिति अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। ऐसा परिस्थिति क्या था साथी, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। ये पहले ही हो चुका था यहाँ पे, जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय भारत के सभी लोग जो है इस बात को स्वीकार कर लिए थे। चलिए, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, बल्कि वह न केवल अपने समाज को सिर्फ फिर से जगाने के, वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज याद रखेंगे तभी आपको जो है बेहतर जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, हम यकीन आपको दिला देते हैं, गारंटी दिला रहे हैं कि जब आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनकर अपने विद्यालय में जाएंगे आपका जो है लेवल अलग ही होगा, और जब आपसे बच्चे सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे उनका नजरिया कुछ अलग ही होगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सामाजिक विज्ञान होने के नाते आप जो उस विषय के आप विद्यार्थी भी हैं और उस विषय के आप शिक्षक भी बनने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि साथियों जो बच्चों के मन में जो भावना है सामाजिक विज्ञान को लेकर, आर्ट्स को लेकर, ये आप लोग को बदलना होगा जब आप शिक्षक बनकर जाएंगे। और इस प्रकार से जब आप चीजों को समझाएंगे तो 100% साथियों जितने भी बच्चे हैं उनको ऐसे ऐसे विषय से जो जो है आपका 100% लगाव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इससे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी जो है तीखे मतभेद देखने को मिल रहा था। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी हमें देखने को मिल रहा है, तो मतभेद तो होते रहते। देखिए, जब भी कोई बात हम जो है मनाने वाले होते हैं किसी को, तो उस बात का ही हम कह ले या फिर कोई हम कार्य कर रहे हैं, तो इतना तो याद रखना है आपको कि उस कार्य का जो है कोई ना कोई आलोचना करेगा ही करेगा। और ऐसा परिस्थिति बार बार देखने को मिला था। किसके द्वारा? तो वहां के लोगों के द्वारा, जब संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी तो बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलते थे। कुछ बुनियादी विचारों का जो है लगभग सभी लोगों ने जो है सहमति जो है कायम कर चुकी थी। ठीक है ना, कुछ लोग जो है आपको विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग सहमत भी थे। चलिए, वर्ष 1928 की हम बात करेंगे, क्या हुआ था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, भारत का क्या लिखा, एक संविधान लिखा है, और इसको आप लोग याद रखना है, इसको मूल संविधान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हजारों लोग थे, ना कि सिर्फ 8 लोग थे। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती ना करिएगा। तो यह 1928 में जो है क्या है, तो साथियों याद रखना है, यह मोतीलाल नेहरू जो है और कांग्रेस के कुछ अन्य जो सदस्य हैं इनके द्वारा जो लिखे जा रहे चीजें हैं वो क्या है, तो आपको याद रखना है, यह जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इसको कहा गया है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया था, इसमें तो संविधान कैसा होगा, संविधान में क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक संक्षिप्त जो है आपको समरी के रूप में जो है प्रकट करने की बात कही की गई थी। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट में। चलिए,
1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी और आजादी के भारत के संविधान कैसा होगा इसकी बात की गई थी। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा की बात की गई थी। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। शब्दों पे थोड़ा सा आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि पकड़ बनाए, शब्दों पे पकड़ बनाएगा, स्वतंत्रता, समानता, मताधिकार जो है व्यक्ति सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार इस प्रकार के, ठीक है ना, आपको शब्दों पर याद रखना है। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठक जो हुआ है, बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्य पर जो है सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक हम किसको कहते हैं औपनिवेशिक शासन, तो हम आपको शुरुआत में बताए थे जब शुरुआत का यह जो सेशन स्टार्ट हो रहा था, यह जो सीरीज है, तभी हम आपको बताए थे कि जो औपनिवेशिक शासक है यह कौन था, तो अपना भारत था। कैसे औपनिवेशन होता है, कोई शक्तिशाली राज्य या फिर हम कह लें राष्ट्र जो उस राज्य पर कब्जा कर लेता है और उस राज्य का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी कार्यों को जो है इस देश का जो प्रशासक है वह नियंत्रित कर रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, उपनिवेश बात कहेंगे, उपनिवेशिक राज्य कहेंगे। जो कि अपना भारत कब तक था, तो 1947 तक था। 15 नवंबर, 15 अगस्त 1947 से पहले यह क्या था, तो यह आपका उपनिवेशवाद देश था। चलिएगा आगे बढ़े, देखिएगा उपनिवेशिक शासन के राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप जो है तय करने में मदद मिली है। कांग्रेसी हुकूमत के बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था। इस आधार पर उन्हें क्या था, तो अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह एक बहुत कमजोर था। जैसे कि हम शुरुआत में आपको बताए थे कि जो शुरुआत में जो मत देने का अधिकार था, वोटिंग करने का अधिकार था, वो भी सभी को नहीं मिला था। किसको मिला था, जो कि बड़े बड़े लोग थे। यह अंग्रेजों का एक चाल था कि जो बड़े बड़े लोग थे उस राज्य के, जैसे हम कह ले साहूकार लोग थे, आपको जमींदार लोग थे, आपका व्यापारी लोग थे, इसको अधिकार दिए गए थे। और किस आधार पर दिए गए थे, जो कि उन अगर हम बात कर ले टैक्सेस की या फिर हम बात कर ले आपका शेयर की, तो जो सबसे अधिक जो है शेयर लगाते थे ना, उनको जो है सबसे ज्यादा जो है वोटिंग का अधिकार था। और उनकी वोटिंग जो है एक के डबल भी नहीं होते थे, बल्कि 5 गुना 6 गुना जो है गणना की जाती थी एक व्यक्ति का वोट का। जो कि वर्तमान में क्या है कि एक व्यक्ति का जो है एक ही वोट का गणना किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था अपने भारत में। 1937 के बाद जो है पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलिया के लिए चुनाव कराया गया था। इसमें बनी सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, ये आपको याद रखना। पहली बार आपको 1937 में जो है भारत में चुनाव किया गया है, और यह जो है आपको क्या है, यह भी आपका लोकतांत्रिक नहीं था। याद रखेंगे, कभी पूछ देगा आपसे कि क्या 1937 में जो चुनाव हुआ था भारत में यह लोकतांत्रिक था या फिर नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपसे दे देगा, तो आपको कहना है नहीं। चलिएगा आगे बढ़े, देखिएगा विधानसभाओं में जाने और काम करने का जो अनुभव तब हुआ लाभदायक हुआ, क्योंकि उन्हीं इन्हीं भारतीय लोगों ने को अपनी संस्था और व्यवहार बनानी थी और चलाना था। तो इस प्रकार से इनको जो है एक प्रकार से अनुभव हुआ कि कैसे कैसे कार्य करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पूरी व्यवस्था से लगभग जस तस कर अपना लिया। और आपको 1935 का भारतीय जो है भारत सरकार कानून के अंतर्गत जो है या क्या हुआ था साथियों, तो इसको जो है आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर जो है अपनाया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एक बात आपको यह भी याद रखना है कि जो अपना भारतीय संविधान जो है इसमें लगभग जो है 395 जो है अनुच्छेद थे, लेकिन इसमें से जो है आपको लगभग 70% जो है यह आपको जो आर्टिकल है कहाँ से लिए गए थे, तो आपको याद रखना है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसी से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिएगा हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास था कि वे उन्हें बाहर के लिए विचार और अनुभव को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचकच ही नहीं हुआ, ठीक है ना। हम
आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे अनेक नेता जो हैं या फ्रांसीसी क्रांति को जो है अपने आदर्श मानते थे। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। देखिए यही कारण हुआ ना, जब हम स्टैंडर्ड लेवल की चीजों को पढ़ेंगे तो हम आपका एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, भारतीय संविधान के जो हम जानते हैं तो संविधान के स्रोत को हम जानते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर है आपका भारतीय संविधान के स्रोत, उसमें हम पढ़ते हैं लगभग जो है आपका 8 से 10 जो है देशों के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग जो देश है उन देशों से अपने भारतीय संविधान में जो है कौन कौन सा पॉइंट लिया गया है, जो कि हम आगे बताएंगे जब हम पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके टीजीटी लेवल का है तो आपको ज्यादा जो है भ्रमित नहीं होना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही समझिएगा। तो ये तो आप समझ गए कि जो है आपको ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिका की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गया, इन चीजों से जो है आपका भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो आपका संविधान निर्माता थे, ये प्रभावित थे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, आगे चलते हैं। हर कदम पर वो यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें जो है भारत के लिए उपयोग होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला लाइन, देखिए ये वाला लाइन आपको कभी जीवन में पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ ये आप सब दिन याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि जो संविधान का निर्माण हुआ कैस किस परिस्थिति में हुआ है और वहां के जो लोग थे वो कैसा सोचते थे। वो सोचते थे कि अगर कोई भी कानून आ रहा है तो सबसे पहले वो सोच रहे हैं कि वह जो कानून है क्या है और इसका जो है भारत के लिए क्या उपयोग होगा आने वाले समय में। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आज के समय में हम सारे भारतीय इस कानून के अंतर्गत, इस संविधान के अंतर्गत बंधे एक साथ हैं। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद किया है। देखिए कोई भी चीज अगर हम लेट से ही करें क्यों ना, लेकिन आराम से 10 बार विचार करके करेंगे तो यकीन मानिए हम सफल ही होंगे और बहुत लंबे समय तक सफल रहेंगे। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, लेक्चर चाहे जितना बड़ा हो आपको, या फिर हम जितना धीरे समझाएं, आपको भागना नहीं है, ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो एक बार आपको याद हो जाएगा, जीवन में कभी आपको नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ये भी गारंटी हम देंगे। अब हम प्रवेश करेंगे संविधान सभा पे। संविधान सभा क्या था, कैसे इसका निर्माण हुआ था, भारत के संविधान के निर्माताएं कौन थे, चलिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब है। यही सब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, इसमें से अलग अलग नाम दे देगा आपसे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, न ऐसे अलग अलग कुछ दे देगा। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या परिस्थिति था क्या नहीं था। चलिए यहाँ आपको संविधान बनाने के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में जो है आपको संक्षेप में कुछ कुछ जानकारी मिलेगा, क्योंकि यह क्लास 9 का बुक है इसलिए कुछ कुछ जानकारी ही मिलेगा, पूरा संपूर्ण रूप से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का जो है काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक शब्द देखते होंगे, यह क्या है, तो चुने गए जनप्रतिनिधि। अब यहाँ पे देखिए, अभी अपना भारतीय संविधान जो है इसका स्थापना भी नहीं हुआ है और इससे पहले ही आपको जो है जनप्रतिनिधि दिख रहा है, इससे पहले ही आपको लोकतंत्र का सबसे सुंदर शब्द जो है आपको जनप्रतिनिधि दिख रहा है, जो कि जनता के द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रांत से जो है व्यक्ति को चयन किया गया था, चुनाव किया गया था इस संविधान सभा के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इस संविधान सभा में जो है आपका सदस्य बैठते हैं इस टेबल पर, और इसमें अलग अलग राज्य का जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, और अपने अपने राज्य के जो भी कमजोरी है उस कमजोरी को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर ये संविधान सभा में जितने भी लोग हैं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और फिर इस संविधान को अपनी किताबों में लिख रहे हैं। तो कितना कठिन होगा आप समझ पा रहे होंगे इस चीजों को। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई वर्ष 1946 में चुनाव हुए थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला लाइन जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह देगा आपसे कि जो है भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1946 में हुआ था, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, उसी समय दिसंबर में हो रहा है, कब, तो 1946 में हो रहा है, 1946
46 में आपका पहला बैठक हो रहा संविधान सभा का, कब हुआ गुरु जी? दिसंबर में हुआ है, यह भी याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसके अध्यक्ष कोई नहीं थे बल्कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके तत्काल बाद जो है आपको देश दो हिस्से में, भारत और पाकिस्तान में बट गया, संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गया। देखिए शुरुआत में जो है संविधान सभा एक ही था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जो अपना भारत है यह दो हिस्सों में बटेगा, किसी को नहीं पता था। तो अलग अलग क्षेत्रों से जो आपका लोग चयन किए गए थे इन सभी के द्वारा, ठीक है ना, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये वाला जो आप बेल्ट देख रहे हैं ये तो पाकिस्तान में चला गया। और यहाँ के जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में वो क्या हो गए? तो वो तो साथ ही अब भारतीय रहे नहीं, तो क्या हो गया, या पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तान चले गए। तो इस परिस्थिति में जो है फिर से क्या हो गया, आपका भारतीय संविधान सभा का गठन एक बार फिर से किया गया था, ठीक है ना, और इसमें जो खाली पद थे उसमें फिर से भरा गया। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा जो है इसमें कुल जो सदस्य थे कितने थे? तो आपको 299, आप 299 का रिचार्ज करवाते होंगे, तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय संविधान सभा में संविधान को लिखने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299, ठीक है। किसी रिचार्ज को अगर आप करवाते होंगे 299 का कोई प्लान होगा तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है ना। तो संविधान सभा का जो काम है यह कब पूरा हुआ साथियों? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ पूरा पूरी, ठीक है। और क्या अपने को जानना है? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इस दिन की याद में हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अब एक बात आपके यहाँ पे मन में खटक रहा होगा, वो क्या है, थोड़ा सा इसको साफ करने दीजिए फिर हम बात करेंगे। हड़बड़ी कुछ भी नहीं है, देखिए क्लास हो सकता है 3 पार्ट में भी ये लेक्चर हो सके, लेकिन हर चीज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। आप लोग का क्या मानना है ये लोग आप लोग कॉमेंट में बताएगा। हम हमेशा बोलते हैं कमेंट में बताया करिए, तभी जो है हम अपना स्पीड भी, अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है इसमें भी बदलाव कर पाएंगे। आप लोग कमेंट बताइएगा कि जो हम अभी समझा रहे हैं ये क्या आपके लिए बेहतर है या फिर और स्पीड में चलना चाहिए। अब देखिएगा मेरे सामने जो है, आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ही काम पूरा हो गया था, तो इतने दिन क्या हो रहा था कि संविधान जो है आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। तो सुनिएगा साथियों, 26 जनवरी जो है यह भारतीय संविधान के लोगों के द्वारा, लोगों के जो लोग हैं, जो 1 मिनट रुकेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू क्यों हुआ, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो है बहुत सारे कहानी है, जब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे तब हम वहां पे जो है आपको अच्छे ढंग से चीजों को समझाएंगे। अभी बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यह 26 जनवरी का आप दिन देख रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या था, तो आपको याद रखना है कि जो आपका कांग्रेस पार्टी था ना, कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ था साथियों? तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग बहुत वर्षों से की जा रही थी, और कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है इसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कब होता है, 26 जनवरी को, और इसी को जो है साथियों कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं इस दिवस को खास माना गया, और इसको खास बनाने के लिए क्या किया गया है, तो इसी दिन को आपको संविधान भी लागू पूर्णतः किए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये ऐसा कुछ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, इस प्रकार से सभी चीजों को याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे, संविधान निर्माण में जो है इनका योगदान बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यह व्यक्तियों की हम जो है आपको विस्तार से थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे वह है अब्दुल कलाम आजाद। साथियों यह अब्दुल कलाम आजाद के बारे में हम अगर बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज करने देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इनका जन्म साथियों आपका 1888 में हो
होता है, कब होता है, 1888 में होता है, और आपका 1958 में जो है इनको क्या होता है साथियों, तो इनका देहांत हो जाता है। जन्म कहाँ हुआ है इनका, सऊदी अरब में हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे ठीक है ना। ये सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं यहाँ के निवासी थे, और यह भारत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे आपको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। याद रखना है शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी यह रह चुके थे। अरबी में यह जो अरबी भाषा है उसमें, अरबी भाषा में भी यह विद्वान थे, कांग्रेसी नेता रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका जो है यह निभाए हैं, मुस्लिम अगर आपका अगलावादी राजनीति के विरोधी थे। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ मुसलमान जो थे अपने भारत में वो क्या मांग करते थे साथियों, तो जब अपने भारत का स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा था, जब भारत जो है एक राष्ट्र की मांग कर रहा था, तो ऐसे कुछ इस्लामिक लोग थे कि दो राष्ट्र की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो दो धर्मों की बात कर रहे थे। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि सभी के सभी जो इस्लाम लोग थे, सभी के सभी जो मुस्लिम लोग थे, वो कहीं ना कहीं सब लोग वैसे नहीं थे, जिसमें आपको सबसे पहला नाम याद रखना है अब्दुल कलाम आजाद के वो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जो हम बात करें मुस्लिम व्यक्तित्व के बारे में, तो ये सभी व्यक्ति जो हैं अपने राष्ट्र प्रेम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा व्यक्ति आपका आते हैं टीटी कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पे याद रखना है इनका जन्म जो है 1899 में हो रहा है, और मृत्यु आपका 1974 में। इनका जन्म कहाँ हुआ है कभी पूछ ले तो आपको तमिलनाडु में याद रखना है, जो कि प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जब हम यहाँ पे पीपीटी बना रहे थे तो इस चीज को हम ज्यादा खास करके नोट किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा टीटी कृष्णाचारी जो है या किस सदस्य, किस संगठन के सदस्य थे या फिर किस कमेटी के सदस्य थे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, ये प्रारूप कमेटी के सदस्य रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको उद्यमी और कांग्रेसी नेता रहे हैं, बाद में कांग्रेस मंत्रिमंडल में यह वित्त मंत्री के पद पर भी होते हैं आसीन, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है अपने भारत के बारे में। अगर हम बात करें साथियों, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। ध्यान दीजिएगा इनके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, इनका जन्म जो है 1884 में हो रहा है, और मृत्यु जो है आपका 1963 में हो रहा है। जन्म कहाँ हुआ है तो अपने बिहार राज्य से संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इनको क्या होता है साथियों, तो चयन किया जाता है। कब किया जाता है, 11 दिसंबर को, ठीक है ना। 11 दिसंबर को जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हो रहा है, तभी इनको क्या किया जा रहा है, तो अध्यक्ष चुना जा रहा है, वो भी अस्थाई, ठीक है ना। यह पेशे से क्या थे, तो वकील थे, और आपका चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी भी रहे हैं। 3 बार यह जो है कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ है। तो साथियों यह जितने भी बात हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है कि ये आपके काम का नहीं है, ये सारे आपके काम का है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, आप पढ़ रहे हैं संविधान का विकास के बारे में, तो आपको ये सारे व्यक्ति के बारे में भी पता होना चाहिए, इनके कार्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े और हम चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इस सभा द्वारा जो है 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं, हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कि जो अपना भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, तो इस स्वतंत्रता संग्राम का जो कड़ी चल रहा था ना, इस कड़ी में ही अपना भारत का जो संविधान कैसा होगा, क्या इसका प्रारूप होगा, कैसे मतलब क्या क्या काम होगा, मतलब सभी प्रकार के बातों को जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही चलते चलते जा रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि हम कल पढ़े थे, क्या कल हम आपको बताए थे कि अफ्रीका का जो संविधान है, साउथ आपका दक्षिण अफ्रीका का, तो वहां पे हम पढ़े थे कि जो 2 साल है क्या लग गया था साथियों, 2 साल जो है आपका संविधान पे बहस करने में लग गया था, जो कि भारत में ऐसा जो है आपको दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक समितियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देश में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के क्या है, तो सभी सामाजिक समूहों या फिर राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। तो ऐसे ऐसे जो आपको परिस्थिति है बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को याद रखना है कि साथियों ऐसा जो परिस्थिति है बहुत सारे देश में तो देखने को मिलता है, लेकिन अपना भारत का जो संविधान है यह कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब यह 1950 को लागू हो गया है तो आज तक, या फिर हम कह रहे जब तक भारत है तब तक ऐसा परिस्थिति नहीं बनेगा कि फिर से भारत का संविधान लिखना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः फिर से लिखे जाएंगे यह असंभव है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कई देशों में संविधान संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा है, या फिर हम कह ले किसी भी अन्य किताब की तरह या दस्तावेज पर है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कई ऐसे देश हैं, जैसे हम बात कर ले आपका चीन का, ठीक है ना, हम बात कर ले चीन का आपका, हम बात कर ले आपका, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल हम, और भी आपका जैसे हाँ फ्रांस हो गया आपका, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं ना कि पहले की। तो ऐसे ऐसे कहीं पे बहुत सारे जो है राज्य हैं, देश हैं, जहाँ पे वहां पे लिखित संविधान तो है परंतु एक कागज का टुकड़ा है, वहां पे उसका कोई उतना मान्यता नहीं जितनी अपने भारत में है, ठीक है ना। भारत में क्या है, भारत का हर व्यक्ति जो है संविधान के विरोध नहीं जा सकता है, उसके अंतर्गत ही रह के उसको काम करने हैं। लेकिन आप देखेंगे साथियों, चाइना हो गया आपका, फ्रांस हो गया आपका, जो है ऐसे और भी बहुत सारे देश है जो कि लिखित उनके पास भी साक्ष्य है, परंतु कुछ कुछ बदलाव वहां पे हमेशा होते रहते हैं। जैसे हम अगर बात कर ले फ्रांस की, तो फ्रांस में आप लोग देखे होंगे साथियों कि जो राष्ट्रपति होंगे वह अभी जो है बहुत सारे उसमें बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ये किसी भी हाल में 5 वर्ष ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ वर्ष जो है इनको बढ़ा दिया गया है। वैसे ही हम अगर बात करें चाइना की, तो यहाँ पे भी जो है आपको लोकतंत्र तो है लेकिन एक नाम मात्र का है, ठीक है ना, एक ही पार्टी का यहाँ वर्चस्व आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बात आपको याद रखना है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, पर हमें हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा भी की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने सामाजिक जो है समाज संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या फिर राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। तो ये अपने संविधान का एक बहुत बड़ा विशेषता है, यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है ना। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा की जो संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही एक प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, आप पढ़ते हैं ना प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में सीधा सीधी कौन सा बात लिखा गया है साथियों, तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोगों की बात की गई है। अर्थात यहाँ पे आपको जब हम कल पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि जो आपका भारतीय संविधान का जो उत्पत्ति हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सभा है, संविधान सभा है, और यह संविधान सभा जो है किससे मिलकर बना है, तो इस संविधान सभा में जो लोग हैं यह चुन कर आए हैं, किसी न किसी जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति है और हर प्रांत का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों यह जो अपना भारतीय संविधान है यह भारत के एक एक जनता के द्वारा जो है लिखा गया संविधान है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, एकदम हम विस्तार से चल रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप सिविल सर्विस के भी स्टूडेंट होंगे कोई इसमें से, तो आपको इसी तरह से चीजों पढ़ना है, एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना है, आपको स्टेट बोर्ड को ऐसे ही पढ़ना है, तभी आपका जीवन में सफलता आएगा, ठीक है। चलिए, व्यक्त मताधिकार नहीं था पहले, अगर हम बात कर ले शुरुआत में जो है आपका भारतीय संविधान में भी जो है व्यक्त मताधिकार जो शब्द है यह नहीं था, ठीक है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सके थे, इसका चुनाव जो है मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे ना कि अभी जो चुनाव जो प्रणाली है वह किस कौन देता था, जो व्यक्ति आपका जो है पैसे वाला है, जो शेयर मार्केट में जो है उसका दबदबा है, जो व्यापारी बड़ा है, उन सभी का कहीं ना कहीं अभी तक जो है आपको वर्चस्व देखने को मिल रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। चलिए, इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह एवं और विचार के लोग थे, तथा
तथा सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेस के विचार में सहमत नहीं थे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डिटेल बातें हैं जो कि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे साथियों, तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जीएस का भी पेपर है ना, शिक्षक भर्ती में आपका जीएस का भी पेपर है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये चीजों को। हम अभी आपको जो क्लास ये चला रहे हैं, बार बार बता दिए, ये आपको एस्टेट को ध्यान में रखकर और टीजीटी को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, तो अभी हमें ज्यादा विस्तार से उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो हम अपने आप आपके सामने हर चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखते चलेंगे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक जो है व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होता, तो साथियों तब इसका जो स्वरूप है काफी कुछ सही तरह से होता। इस तरह से आपको याद रखना है, जैसे कि हम अगर बात कर ले तो उस समय जो संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो कुछ लोग पक्षधर थे, कुछ लोग उसके आलोचना भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आपको हम कल ही आपको बताए हैं कि देखिए, कोई भी चीज अगर आप करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन उसका आलोचना होना जायज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख रहे होंगे। चलिए और आगे बात करें। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह से पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब संविधान सभा जो है, इसका जो कार्य करने की जो शैली थी, वो ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के कार्य करेंगे, ठीक है ना। ये संविधान सभा जो है, यह व्यवस्थित रूप से सभी जनता के लिए खुले हुए थे, क्योंकि ये जनता के लिए संविधान न बन रहे साथियों, तो उनके अधिकारों के लिए जो है बातें जो है सबको पता होना चाहिए ना, तभी तो वो अधिकार जो है पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ये होना चाहिए या फिर नहीं। तो इसलिए जो आपका संविधान सभा है, ये खुले तौर पर सरेस के सारे बातों को उस जनता के सामने स्पष्ट कर रही है, और फिर यह जो है आपको संविधान के पुस्तक में वर्णित की जा रही है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर उनकी सहमति बनाए गए। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख जो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये वाला, आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ देगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बी आर अंबेडकर हैं, ठीक है। कुल कितने आपको पढ़ना है साथियों, तो भारतीय संविधान सभा में जो है आपको बहुत सारे कमेटी थे, जिसमें से आपको 15 जो कमेटी है इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी भी साथ में करते हैं तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो साथियों, संविधान के प्रारूप प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई है। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुआ है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, आपको याद रखना है कि जब संविधान बन रहा है तो आपको जो है लगभग 2000 से ज्यादा जो है इस पर संशोधन हो गए हैं। मतलब ऐसे कई ऐसे धारा बन गए हैं जिसको हटा भी दिया गया है, जिस पर तर्क और वितर्क किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है संविधान में इसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और स्केट जो है आपका ये बुक, आपको लग रहा होगा। यहाँ पे 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी आपसे डिटेल में पूछ ले अगर कि कुल कितना जो है आपको भारतीय संविधान सभा में जो है कुल कितना दिनों तक चर्चा हुआ था, तो याद रखना है कुल 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुआ था, ठीक है ना। कब तक? तो 3 वर्षों में। अगर हम बात करें तो 2 वर्ष 11 महीना कुल, इतना आपको जो है कुछ याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की गई बातें को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना। चलिए, इसने हम क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं साथी कांस्टी, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से जानते हैं। कौन सा असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस करना या फिर तर्क वितर्क करना, ठीक है। तो इस नाम से हम जानते हैं, इससे 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था, और इन्हीं बहसों से हर प्रस्ताव के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता था। संविधान की व्याख्या के लिए इन पर बहस किया गया है, और दस्तावेज में हमें उपयोग भी देखने को मिलता है। तो ये सारे बातों को याद रखेंगे। अपना मूल जो उद्देश्य है वह क्या है साथियों, तो हम भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, अपना जो संविधान है कैसे बना इसको पढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप
बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। संविधान सभा से लेकर आपका संविधान के विकास तक की जो बातें हैं, ये आपको आने वाले समय में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो 2-3 बार देखिएगा। चलिए अब थोड़ा हम बात करेंगे, यहाँ कुछ और व्यक्ति हैं जिसमें आपका एक आते हैं जी दुर्गाबाई देशमुख। साथियों इनका जो जन्म है आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। पेशे से यह क्या थे, वकील थे और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, महिला मुक्ति कार्यकर्ता अर्थात यह जो है आपका सामाजिक कार्यों पे भी किया करते थे। आंध्र प्रदेश महिला सभा की जो है संस्थापक भी रही गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कांग्रेस की सक्रिय नेता रहे हैं, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आपका H.C. मुखर्जी। साथियों इनका जन्म आपका बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में इनको चयन किया गया था। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेस के नेता रहे हैं, ऑल इंडियन क्रिश्चियन काउंसिलिंग और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी बनकर रह चुके हैं। बाद में बंगाल की यह राज्यपाल भी बनते हैं, तो आप लोग जरूर से इनको याद रखेंगे। फिर हम आगे बात करें तो एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आपका जयपाल सिंह। इनका जन्म आपको झारखंड में हुआ है, और याद रखना है झारखंड अर्थात उस समय हम बिहार को ही कहते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। खिलाड़ी और शिक्षाविद रहे हैं, यह भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक और आपके लिए जानकारी, आपसे पूछ देगा कि वह भारतीय हॉकी का वह कप्तान बताइए जो कि आपको संविधान सभा के सदस्य भी रह गए हैं, तो आपको याद रखना है जयपाल सिंह के बारे में। ठीक है, चलिए आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी यह बनकर उभरे थे, तो ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य हैं जो कि आपको समझना होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम अभी जो है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान के जो पीछे दर्शन है क्या है। ठीक है ना, अभी दर्शन को हम जानेंगे। चलिए यहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने दर्शन की ओर ही बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है महात्मा गांधी कुछ बातें कर रही हैं, लेकिन उनको हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे जो अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बलदेव सिंह, यह बलदेव सिंह कौन है साथियों, तो याद रखेंगे इनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाल पार्टी के जो है यह आपका नेता रह चुके हैं। संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए थे यह नेता। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए नेता, संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा जो है मनोनीत किए गए नेता का नाम बताइए, और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग नेता का, तो आपको याद रखना है बलदेव सिंह राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, चलिए उसके बाद हम अगर बात करें, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथियों यह आपको पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में इनका चयन हुआ था। ठीक है ना, यह किस विभाग के मंत्री थे, तो आपका उद्योग और आपका आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है ना, अंतरिम सरकार अगर हम बात कर ले तो आपका जो है स्वतंत्र भारत के बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय। शिक्षाविद और वकील रह चुके हैं, हिंदू महासभा में सक्रिय थे, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी यह बनते हैं। फिर आपका आते हैं एक और व्यक्ति जिनका नाम है कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मनिक लाल की अगर हम बात कर ले तो यह आपका गुजरात के रहने वाले थे, वकील, इतिहासकार और आपका भाषाविद के जो है यह आपका विद्वान थे। कांग्रेस नेता और गांधीवादी रहे हैं, बाद में आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी यह रहे हैं, तो आप लोग जरूर से पार्टी का नाम भी याद रखेंगे। आपसे पूछ देगा स्वतंत्र पार्टी के जो है संस्थापक कौन है। ठीक है ना, इस तरह से सारी चीज आप लोग याद रखेंगे, हम एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 26 जनवरी 1950 को हम शिक्षा, ठीक है, हम क्या है, तो हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानता से भरा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो इस लाइन की अगर गहराई पे अगर हम चर्चा करने लगे तो आप यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात कह रहा है आज के समय में। कह क्या रहा है देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हम भारत जो है अपना जो है स्वतंत्र तो हो रहा है, परंतु यह जो है आपका विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कौन से जीवन, विरोध भरे जीवन में, राजनीतिक में जो होगा, राजनीति के मामले में जो है हमारे
यहाँ समानता तो होगी परंतु आर्थिक रूप से जो है यहाँ सामाजिक जीवन में असमानता देखने को मिलते हैं, जो कि आज भी हमारे जीवन में यह बात देखने को मिलते हैं। और इसलिए जो है हमारे जीवन में साथियों आप देखते होंगे क्या है, तो एक आरक्षण नाम का शब्द है, ठीक है ना। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो राजनीतिक है इसमें तो समानता की बात कर रहा है नेता जो है, यह कह रहा है कि हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सब समान है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम बात कर लगे तो यहीं पे हम लोग जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक तौर पे भेदभाव कर दिए जाते हैं। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और दार्शनिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के न को क्या करते हैं, तो जारी रखते हैं। इस प्रकार से आपका विरोधाभास पूर्ण जीवन जो है कितने लंबे समय तक जीने रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके मन में प्रश्न होना चाहिए साथियों। तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर आपका क्या है। देखिए एनसीईआरटी और स्केट बुक को जो जब बुक को हम पढ़ते हैं, तो एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि देखिए बुक को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अपना उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में यहाँ से क्या आएगा क्या नहीं। इस बुक को पढ़ने से या फिर कोई भी बुक को पढ़ने से मेरा मानना है ऐसा है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सोचने का तरीका है, इसमें भी विकास होता है। जैसे अभी तक आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे संविधान को लेकर, संविधान सभा को लेकर, जो कि अभी तक डॉट क्लियर होगा, एक एक चीज हुआ होगा, ठीक है ना, आगे भी होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारतीय संविधान में दिए गए तरह जो जवाहरलाल नेहरू का जो प्रसिद्ध भाषण है इसको याद करेंगे। चलिए देखते हैं इनका कौन सा भाषण था और किस प्रकार से दिए गए थे। देखिए यहाँ पे यह भाषण है जो कि बहुत ज्यादा लंबा मेरे ख्याल से लेक्चर हो जाएगा, ये लेक्चर को हम ज्यादा टाइम ना बिताते हुए आप लोग इसको पीडीएफ ले लीजिएगा और पढ़िएगा। पढ़ने का तात्पर्य ये है साथियों कि यहाँ से बहुत सारे आपसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना, यहाँ से बहुत सारे जो है आपको प्रश्न बनेगा, इसलिए आप लोग पीडीएफ लेके जरूर पढ़िएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब हम बात करेंगे इन कुछ प्रमुख व्यक्ति के बारे में, जिसमें आपका बी आर अम्बेडकर अर्थात भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही इनका जन्म जो है आपको 1891 में होता है और इनका जो मृत्यु है साथियों यह आपका वर्ष 1956 को होता है। जन्म कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो मऊ नामक जो है स्थान है वहां होता है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ यह अग्रणी कहीं ना कहीं इनका भूमिका रहा है, आंदोलनकारी रहे हैं। बाद में यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बनकर जो है उभरे थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं और बहुत सारे इनके द्वारा जो है आपका पत्र पत्रिका भी जो है इनके द्वारा चलाए गए थे, जिसमें आपको मूक नायक देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिका है, ठीक है ना, बहुत सारे इनका जो है किताब है, क्योंकि हम लोग उतना डिटेल में अभी नहीं चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू है, इनको याद रखेंगे। इनके बारे में अगर बात कर ले तो आपका उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, कब, तो आपका 1889 में जन्म हुआ है, 1964 में इनका मृत्यु हो गया साथियों। यह अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हैं, वकील और आपका कांग्रेस नेता है, समाजवाद और लोकतंत्र और समाजवाद के विरोध के पक्षधर थे। बाद में यह भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जिनका जन्म आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। पेशे से लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बाद में पश्चिम बंगाल जो है इसका विधानसभा सदस्य से यह जो है चुनाव भी लड़ते हैं और यहाँ से चुने जाते हैं। तो ये सारे बात हमको याद रखना है साथियों। आगे बढ़े, संविधान का दर्शन क्या है, संविधान का दर्शन थोड़ा फटाफट यहाँ पे करते हैं क्योंकि क्लास जो है काफी बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से। जिस मूल्य ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है और उसे दिशा निर्देश दिया है तथा तो उसे क्रम में जांच परख ली है, वह भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया, भारतीय संविधान की सारी धारणाएं इन्हीं अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआती जो है बुनियादी मूल्य की एक छोटी सी
उद्देशिका के साथ होती है, और इसी उद्देशिका को हम कहते हैं प्रस्तावना कह ले, उद्देशिका कह ले, या फिर हम दर्शन कह ले, संविधान का एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या पता चलता है कि संविधान में किस किस बातों पर बल दिया गया है, क्या क्या संविधान में है, यह एक प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता है। चलिए अब हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, सारा लेक्चर को छोड़ के यहाँ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, तो अपने भारत की जो उद्देशिका है उस पे बात कर रहे हैं, किस पे, उद्देशिका के बारे में। क्या है उद्देशिका, देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं, पहला पहला लाइन है, हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किया था, ना कि किसे किसी राज्य या फिर बाहरी आदमी ने उन्हें किया था। इसलिए आपको सबसे पहला लाइन जो है यह भारतीय संविधान के उद्देशिका में आपको हम भारत के लोग मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम का मतलब सभी लोग आते हैं, और इस तरह से आपको याद रखना है कि सभी जनता मिलकर कहीं ना कहीं यहाँ संविधान का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा शब्द आपको समाजवादी मिलता है, ठीक है ना। समाजवादी क्या है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से जो है पैदा होती है, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों पर हकदारी से जुड़े फायदे कानून की तरह बनाए सामाजिक धार्मिक असमानता को कम करता है। तो इस प्रकार से आपको सामाजिक बातों को भी याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक एक करके भारतीय संविधान की उद्देशिका। देखिए यहाँ पे सारा बातें आपको देखने को मिलेगा, हम भारत के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए जो है, तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को जो है इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, संविधान को अंगीकृत कर अधिनियम को आत्मनिर्पित करता है। तो यहाँ पे आपको पता क्या चला साथियों, हम भारत के लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक आपका प्रभु संपन्न गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता, ऐसे शब्द जो है आपको देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से जो आप शब्दों को देख पा रहे होंगे, इस सभी जो शब्द हैं उन सभी प्राणियों के लिए, उन सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि भारत की जनता है। उनको स्वतंत्रता दी जा रही है, उनको पंथ निरपेक्ष दिया जा रहा है, उनको लोकतंत्र दिया जा रहा है, उनको गणराज्य दिया जा रहा है, उनको समानता दिए जा रहे हैं। ये सारे बात आपको उद्देशिका में मिल रहा है, और इससे आपको भली भांति पता चल रहा है कि अपना जो संविधान है या किस प्रकार से बनाए गए थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक एक करके जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, पंथ निरपेक्ष क्या है, गणराज्य क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, आपका न्याय क्या है इसका तात्पर्य, और आपका स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, जैसे न्याय, न्याय का मतलब है कि नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि पहले होता था, ठीक है ना। पहले क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है, रहन सहन के आधार पर हो रहा है, आपका जो आपका लिंग के आधार पर हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। लोकतांत्रात्मक क्या है, तो सरकार का ऐसा रूप होगा जिसमें लोगों को समानता राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रभु संपन्न का क्या मतलब है, तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामलों में फैसला लेने का अधिकार होगा, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका पंथ निरपेक्ष, मतलब है कि जो यहाँ भारत जो देश है, भारत का जो सरकार होगा उसका कोई भी पंथ नहीं होगा, ठीक है ना। वो किसी भी एक धर्म को जो है मान्यता नहीं देगी, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं, जैसे आप सऊदी अरब में देखते हैं, जैसे आप जापान में देखते होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो है आपको धर्म देखने को मिलता है कि वही धर्म जो है एक है। जैसे आप देखते हैं कुछ यूरोप के ऐसे देश हैं जहां पे आपको ईसाई मिशनरी मिलते हैं, तो आपको भारत में जो धर्म है या कोई भी धर्म नहीं होगा। यह क्या है साथियों, तो यह आपको विविधता में एकता वाला धर्म है, ठीक है, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका गणराज्य, शासन का प्रभुत्व लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है सारे शब्दों को। चलिए आगे बढ़े फटाफट,
समानता की बात करेंगे। समानता क्या है? समानता कानून के समक्ष जो है सभी लोग जो है समान होंगे, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो समानता का मतलब यही है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें भी वही दंड मिलेगा, अगर कोई और कोई व्यक्ति है जो सरकार का नजदीकी है अगर वही वही गलती कर रहा है तो उसको भी समान दंड मिलेंगे, इसी को हम समानता कहेंगे। चलिए आगे बढ़े। बंधुता ये क्या है? तो हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमर क्या करे तो साथियों गलत ना दूर ना समझे। ठीक है, तो हम भारत के लोग क्या है, एक परिवार है, इस प्रकार से आपको बंधुता भाईचारा निभाना है। चलिए आगे बढ़े फटाफट। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। क्लास कैसा रहा आज का हम लोग को जरूर बताइएगा साथियों आज का क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है क्लास आपका समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। मेरा पूरा फोकस था कि आपको जो है हम संविधान के बारे में एक भली भांति और एक बेहतर नॉलेज दे सके। ठीक है ना, हम बार बार आपको लगातार बोल रहे हैं कि यह जो क्लास है टीजीटी का है और एस्टेट का है, लेकिन यह भी आपको गारंटी देंगे साथियों कि अभी तक आपको बिहार एस्टेट को लेकर, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्थान में पढ़ाते हैं और हम सिविल सर्विस स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है कई बार सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं और साथियों अपना नेट जीआरपी क्रैक है, तो इसलिए हम आपको बार बार लगातार बता रहे हैं कि हम जो भी बताएंगे आपको डिटेल और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आपको जो है आने वाले समय में सिर्फ एग्जाम नहीं क्रैक करना है बल्कि उसी विषय में आपको विद्वान बनना है ताकि आप बच्चों को विद्वान बना सके, आप समाज को विद्वान बना सके। इसलिए मेरा फोकस है कि आपको हर चीज बेहतर ढंग से समझाया जाए, बताया जाए, तभी तो आप कल को किसी और को बताएंगे ना। तो इस प्रकार से साथियों मेरा प्रयास यही है कि हम आपको सब कुछ बताएं। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा लेक्चर, कैसा लगता है मेरा बताने का तरीका, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हो सके कि हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने बोली में थोड़ा सा और कम कटौती कर देंगे साथियों और फटाफट हम अपने क्लास को समाप्त करते चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग कॉमेंट में जरूर बताएगा ये बात और कैसा लगा आज का क्लास ये भी बताना है। साथ में आपको याद रखना है साथियों कि आप अगर हमसे अदर सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका आपका टेलीग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इन सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पे मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, क्लास के अपडेट मिलेंगे, साथ में आपको हमसे जो भी कुछ डिस्कस करना है, जो कुछ भी समाज में, राज्य में, आपके एग्जाम से संबंधित जो कुछ भी डिस्कशन करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।